आई एम सॉरी, ये इसका सारा क्रेडिट मैं ले नहीं सकता। ये डांस हो ही नहीं पाता अगर मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं होता। डांस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फिर उसके बाद डांस पार्टनर। हमारे बच्चे के सोने के लिए बेडिंग, छोटे से बेबी के लिए अच्छा है ना? बहुत सॉफ्ट, बेबी को बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या लगता है, हमारा भाई होगा या बहन होगी? मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं दोनों ले आई, वन फॉर गर्ल वन फॉर बॉय, दोनों खुश, ठीक है? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारे मासी के बच्चे के लिए, तुम्हारे कजिन के लिए, आज मैं उसे ये गिफ्ट करूंगी, बहुत खुश हो जाएगी। खुश होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, पर प्रॉब्लम ये है कि कभी खुश होती ही नहीं, हमेशा मुंह लटका रहता है उसका, सड़ी हुई रहती है। सड़ू टाइप की है ना तुम्हारी मासी, इसीलिए, पर दिल की बहुत अच्छी, देखना उसे ये बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, तुमसे भी कुछ बात करनी है मुझे। देखो, तुम्हारा ये जो भाई होगा या बहन होगी या जो भी होगा ना तुम्हारा कजिन, तुम उसे बहुत प्यार करना, बहुत प्यार से रहना दोनों। एक्चुअली मैं और तुम्हारी मासी, हमारे बीच शुरू से ही कुछ ठीक नहीं रहा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो। तुम उसे बहुत बहुत प्यार करना, करोगे ना? माई गुड बेबी। हमारे बच्चे को किसी का प्यार मिले या ना मिले, तुम्हारा और मेरा जरूर मिलेगा, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वो करने वाला हूँ। थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, मेरा बर्थडे है लेकिन सब आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, नॉट फेयर ना? ये सब मुझे इसीलिए कंग्रेचुलेट कर रहे हैं बिकॉज ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना खास है। और एक बात, ये प्रोजेक्ट और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसमें हमारे बेटे रणबीर ने इतनी मेहनत की है, और ये कॉन्सेप्ट भी तो बहुत अनोखा है, बहुत अनयूजुअल है, तो विशेष तो बनती है। विशेष तो बनती है डैडी। एक्सक्यूज मी टैनली बाजी, मजा आ रहा है? हाँ सर। हाँ वेरी गुड, थोड़ा मजा मुझे भी कराओ सर। अरे मतलब इट्स टाइम। टाइम फॉर व्हाट सर? अरे टाइम फॉर माय डैड यार। अभी ना जितने भी लोग हैं सब डैड को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, लेकिन अभी हमें उनको जाके झूठ बोलना होगा। कौन सा झूठ सर? अरे हमने प्लान किया था ना, मैं घर पे जाके पापा को बोलूंगा कि मेरा एक गूफ अप हो गया, ताकि उनको लगे कि बिजनेस में लॉस हो गया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब नहीं हो रहा है, और गुस्से में आके मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सर मैंने उस प्लान के बारे में बहुत सोचा, उस प्लान से ना आपको सिर्फ कंपनी से बाहर निकालेंगे, घर से नहीं निकालने वाले को। मेरे पापा कौन जानता, तुम जानते हो, मैं जानता हूं। वो तो आप ही जानते हैं। नो ना, देखो पापा मुझे पहले कंपनी से निकालेंगे, फिर पापा मुझे घर से निकालेंगे। पापा को 2 महीने बाद पता चलेगा कि जो गूफ अप मैं कर रहा हूँ ना, उस गूफ अप से हमारा लॉस नहीं हुआ, उस गूफ अप से हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो 2 महीने तक मैं प्राची के साथ रहूंगा और 2 महीने अपना स्टार्टअप भी चलाऊंगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, पहले 2 महीने मैं खुश, उसके बाद लाइफ टाइम पापा खुश। कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त सर, ग्रेट। नहीं नहीं सर, बेटी प्राची कहती है जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक हमें जश्न ही मनाना चाहिए, अपनी खुद की नजर लग जाती है। ओके तो एक काम करो, अब तुम पापा के पास जाओ, उनको बोलो रणबीर कमरे में बुला रहे हैं। लेट्स डू दिस। सर Thank you.
Excuse me, sir. Sir, रणवीर सर ने आपको रूम में बुलाया, शायद कुछ बात करनी है आपसे. मुझसे बात करनी है अभी? हाँ सर. ठीक है, मैं देख के आता हूँ. रणवीर शायद मुझे बुला रहा हो, मे बी मुझे सरप्राइज करना चाह रहा है. विक्रम, एक्चुअली आई थिंक रणवीर शायद मुझे बुला रहा हो. अब मैं चलती हूँ ना आपके साथ. जब कब? कम ऑन रणवीर, यू कैन डू दिस. बहुत इजी है. यू जस्ट हैव टू डू गुड एक्टिंग. और बस बोलना है पापा को बहुत सीरियस होके कि पापा एक्चुअली मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई. उस गलती की वजह से आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है. थर 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 थर. नहीं, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा. लेट मी कीप इट सिंपल. मैं बोलता हूँ कि पापा देखिए मुझसे ना एक गूफ अप हो गया, इसीलिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो नहीं कर सकता मैं. हाँ, as simple as that. हाँ ठीक है, पापा को इस बात पे गुस्सा भी आ जाएगा और पापा गुस्से में आके बोलेंगे निकल जाओ मेरे घर से और मेरे काम से भी और मेरी कंपनी से भी. हर जगह से निकल जाऊंगा. उसके बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा और फिर मेरी जिंदगी प्राची के साथ रंगीन. लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं चाटा किस गाल पे खाऊं. मैं इस गाल पे खाऊं कि इस गाल पे खाऊं. नहीं, नहीं, ये गाल मेरा अच्छा है, मैं इस पे खाता हूं. नाइस, रेडी. रणवीर, व्हाट इज दिस? मुझे लगा तुम मुझे मेरा गिफ्ट देना चाहते हो, इसलिए गलती से स्टैनली ने तुम्हारे डैड को बुला लिया. लेकिन आई सी नथिंग हियर. एक्चुअली मैं पापा को ही बुला रहा था. अरे वाह, मॉम के बर्थडे पे मुझे भी गिफ्ट मिलने वाला है. यू गिफ्ट नहीं, एक्चुअली आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. इन्फॉर्मेशन थोड़ी अजीब सी है, आपका दिल दहल सकता है, बट आई बिलीव यू, आप रिएक्ट नहीं करेंगे. मेरे से एक गलती हो गई एंड उस गलती के बारे में आपको थोड़ी देर में अभी फोन भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा. क्या कह रहा है तू? किसका फोन आ जाएगा? कैसा गूफ अप हो गया? क्या क्या हुआ? क्या है? मेरे से एक बहुत ही माइनर सी गलती हो गई. आपका जो सपना था विलेज इन द सिटी, वो आई एम सो सॉरी टू से बट पूरा नहीं हो सकता. अब वो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता. तू मजाक कर रहा है? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. आई एम वेरी सीरियस. ये बन सकता है? मतलब क्यों नहीं बन सकता है? सब कुछ तो हो गया था. तू क्या कह रहा है रणबीर? मेरे से ना एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत ही अजीब सी छोटी सी गलती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मैं नहीं, कोई भी नहीं बना सकता. मतलब कभी स्टार्ट नहीं हो सकता वो प्रोजेक्ट. अब थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे. ये प्रोजेक्ट आप बस भूल जाइए, अब इसका कुछ हो नहीं सकता है. आपका जो सपना था वो टूट चुका है, बिखर चुका है, मतलब बिल्कुल जमीन के अंदर घुस चुका है. ताश के पत्तों की. इतनी कैजुअली तूने ये बात कह दी कि नहीं हो सकता? नहीं हो मतलब कि कैसे नहीं हो सकता है? जस्ट गेट आउट. तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले खत्म हो गया. शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी. जस्ट गो. सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. सॉरी डैड, गलती हो गई मुझसे. सॉरी. कुछ नहीं होगा तेरे सॉरी से. कुछ नहीं होगा. आई नो कुछ नहीं होगा डैड सॉरी से मेरे, इसीलिए मैंने सॉरी पहले नहीं बोला, इसलिए अभी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा. बट आई नो कुछ होगा नहीं तो क्या फायदा. ये सुना तुमने? ये क्या कह रहा है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? तू पागल तो नहीं हो गया? एक मिनट, तूने शराब तो नहीं पी रखी है ना? No. नहीं, शराब नहीं पी मैंने. मैंने अभी मतलब अभी शराब नहीं पी, मैंने शराब पहले पी थी. जब मैं आपके टीम प्रोजेक्ट पे बैठा था मैंने तब थोड़ी सी शराब पी ली थी. आप लोगों को तो पता ही है कितना ज्यादा स्ट्रेस है मुझे. दो बीवियां हैं, ऑफिस के काम हैं, घर की लड़ाइयां हैं, आपका बर्थडे भी प्लान करना था, कितना कुछ करना था. तो उसी स्ट्रेस के तहत मैंने थोड़ी सी नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा शराब पी ली. तो शराब पी के नशे में तो गलतियां हो ही जाती हैं. मेरी तो बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं. अब ये वैसे ही एक और गलती हो गई मुझसे. Have you lost it? What is the matter with you? इतना कैजुअली तो just get out of here. हम दोनों को कुछ 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 टाइम के लिए अकेला छोड़ दो. Just get out of here. आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? उल्टा पापा को समझाइए ना. पापा कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. डैड, it's okay. ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ. फिर से हाथ उठ जाएगा मेरा. निकल जाओ यहां से. रणवीर, get out. Out.
चली गई है रिया? प्राची, तू कहाँ चली गई थी? तू मुझे ढूंढ रही थी? अब ये तेरे हाथ में क्या है? ये गिफ्ट है, रिया को देना है, इसीलिए उसको ढूंढ रही हूँ मैं। तेरी सास का बर्थडे है ना, तो तू रिया को गिफ्ट क्यों दे रही है? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, वो एक्चुअली रिया के लिए नहीं है, उसके बच्चे के लिए है। मैंने सोचा अभी गिफ्ट दे देती हूँ ना, क्या पता बाद में जब बच्चा आएगा तब हम एक साथ हो ना हो, who knows? इसीलिए गिफ्ट देना है मुझे। और रिया भले ही मुझे अपनी बहन ना माने, उसका बच्चा मुझे अपनी मासी जरूर मानेगा, इसीलिए मासी की तरफ से सबसे पहला गिफ्ट उसे मिलकर रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, उसके बाद मैं, तुम और हमारा बच्चा सब एक साथ होंगे। देख के सॉरी सर। अच्छा, नजरें कहीं और हैं आपकी, मुझे कैसे देखोगे आप? सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या? टेल मी। सर, आप जो इतना प्यार में इतना डीप उतर गए हो, ये प्यार आपको हुआ कैसे? मैं कह तो कोई भी नहीं बता पाएगा। प्यार जो है वो एकदम से नहीं होता है, आराम आराम से होता है। इट्स अ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ, डेट नोट कर लिया और हर साल हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। आपकी बातें सुन के तो मेरा भी मन करने लगा कि मुझे भी प्यार हो जाए। सर, इतना आसान नहीं है प्यार करना, ऐसा फैसला लिया और हो गया, ऐसे नहीं होता प्यार। प्यार तो बस हो जाता है। सर, आपने डैड से बात करी? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लो कि डैड का थप्पड़ है और खाते जाना है। सर, अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ यार, बहुत दर्द हुआ। एक बार देखो मेरे गाल पे कहीं पापा के सिग्नेचर तो नहीं आ गए? मुझे लग रहा फिंगरप्रिंट छप गए होंगे, इतनी तेज मारा ना पापा ने। इतना भारी हाथ लगता है यार पापा का, दर्द भी बहुत हो रहा है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कल तब तो सब ठीक था, लेकिन यह ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी पल्लवी, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कल तक सब ठीक था और आज एकदम से। आई एम सॉरी पल्लवी, आई एम सो सॉरी। विक्रम, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आई एम सॉरी, आई नो दिस वॉज योर ड्रीम प्रोजेक्ट, बहुत मेहनत की थी आपने इस पर, लेकिन ये एनी मोमेंट स्टार्ट भी होने वाला था एंड अचानक से। विक्रम, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम अपना मूड मत खराब करो, आज तुम्हारा बर्थडे है पल्लवी। बुरा तो मुझे भी लगता है ना विक्रम, कांट हेल्प इट। देखो, अभी इसके बारे में कुछ मत सोचो, ठीक है? चलो हम बस बाहर चलते हैं और तुम्हारी पार्टी एंजॉय करते हैं। कम, लेट्स गो। नो नो विक्रम, एंजॉय करना तो दूर की बात है, मैं तो अब बाहर जाके एंजॉय करने की एक्टिंग भी नहीं कर सकूंगी। आई एम सो अपसेट। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, उसके बारे में अभी मत सोचो। पल्लवी, आज का दिन तुम्हारा खास दिन, साल में बस एक बार आता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि रणबीर की बेवकूफी की वजह से तुम्हारा ये दिन खराब हो जाए, इसलिए तुमसे कह रहा हूं जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मत सोचो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आई एम शैटर्ड, मुझे मेरे इमोशंस को संभालना आता है। अभी कुछ वक्त के लिए जो कुछ भी हुआ है उसे साइड में रख के इस सिचुएशन में खुश रहना आता है, और तुम्हें भी वही करना चाहिए पल्लवी। इतने सारे लोग हमारी खुशहाली में शामिल होने आए हैं, हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते ना। दोस्त है, रिश्तेदार है, सब वेट कर रहे हैं। चलो आओ, बाहर जाके तुम्हारी पार्टी एंजॉय करते हैं। कब? आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। अभी जो कुछ भी हुआ है ना उसे उसे इग्नोर करो कुछ टाइम के लिए। मुझे इस वक्त सिड की बहुत याद आ रही है, अगर वो यहां होता ना तो मेरी मदद जरूर करता। एनीवे, चलो बाहर चलते, गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्राची आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है वो। श्योर रवि, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर।
What do you think I'm interested? मुझे तो उसकी शक्ल देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. जैसे भूत को भगाने के लिए मंत्र होते हैं ना, काश इस प्राची को भगाने के लिए भी ना कोई मंत्र होता. There is no remedy to get rid of her. एक रेमेडी है. You're right. रिया, क्या है जो बोलना है जल्दी बोलो और जाऊं यहाँ से. मैं और बूजी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे. सॉरी मैं डिस्टर्ब किया. एक्चुअली कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी. शायद तुमसे मिलना नहीं होगा. तुम जब सोकर उठोगी तो मैं भी नहीं दिखूंगी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं. ये देना था तुम्हें, गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए. देखोगी नहीं? नहीं, मेरा मतलब है देख लूंगी जब तुम मुझे नहीं दिखोगी. वो इसलिए भी नहीं देख रही है ना क्योंकि तुम हमेशा कहती हो कि तुम जा रही हो लेकिन जाते जाते ना गेम खेल लेती हो. आई एम श्योर ये तुम्हारी कोई ट्रिक होगी. पूछी मैं, प्लीज मुझे एक्सक्यूज मत दो. मैंने खुद तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था पर तुम गई यहाँ से? नहीं ना, बैठी रही यहाँ मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने. तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये तुम क्या कर रही हो? आई नो वेरी वेल तुम मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम जब यहाँ से जाओ वो तुम्हें रोक ले. नहीं रिया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं. जस्ट स्टॉप इट. मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करनी थी. मैंने तो मुझी को कहा था कि वो तुम्हें यहाँ से भग. तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा. तुम नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ पर ये नाराजगी आज है कल नहीं होगी क्योंकि कल तुम्हारी नाराजगी की वजह ही यहाँ नहीं होगी. दूर चली जाएगी इस घर से. तुमसे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा. इट्स ओके. तुम्हारी मासी नाराज है ना, उसे बस मूड स्विंग्स हो रहे है ना, वो ठीक हो जाएगी. तुम टेंशन मत लो. ये तुम्हारी माँ का प्यार है तुम्हारी मासी के बच्चे के लिए. तुम्हारी माँ तो यहाँ नहीं रहेगी पर उसका प्यार, उसका गिफ्ट तुम्हारी मासी के साथ, उसके होने वाले बच्चे के साथ रहेंगे हमेशा, है ना? Sorry, तो मतलब तुमने ये तरीका ढूंढा है लड़की को छेड़ने का. पहले तुम बात करने के बहाने से नजदीक आना चाहते थे, अब तुम टकरा कर नजदीक आना चाहते हो. सहाना तुम मुझे गलत समझ रही हो. मैं भला तुम्हें क्यों छेड़ने लगा? बट फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अब फ्रेंड्स दोस्त रहेंगे तो तुम्हें शक भी नहीं होगा. हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तो बेवकूफ हूँ. नहीं नहीं, मैं इंडियन ही नहीं हूँ और मैंने तो फिल्में देखी ही नहीं है. मुझे अच्छे से पता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. अरे वाह, कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी कि हम लोगों के बीच में कोई फिल्मी बातें नहीं होगी. अब तुम खुद ही एक नॉर्मल बातों को फिल्मी बातों में कन्वर्ट कर रही हो. फर्क है, तुम ना रोमांटिक ड्रामा बना रहे थे और मैं रिवेंज ड्रामा बना रही हूँ. सहाना आई वाज जस्ट ट्राइंग टू. ए दूर दूर दूर, बहुत दूर. फिर तुम टच करोगे और फिर नजदीक आओगे और फिर तुम सॉरी बोलोगे और मैंने तुम जैसे लड़कों को बहुत सीधा किया. मैं अच्छे से तुम्हारी इंटेंशन समझती हूँ. तुम मेरा इंटेंशन समझ ही नहीं पा रही हो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. अच्छा, अब तुमको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है? मतलब मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया तो अंगूर खट्टे हो गए. अब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं है. अच्छा तो किस में इंटरेस्ट है बताओ मुझे. नहीं नहीं, मैं तुम्हें डाउट कर रही हूँ ना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है. अच्छा बताता हूँ. बताओ बताओ बताओ. अरे रब्बा, तो सरयाम कह रहा है कि इसको रणबीर ही चाहिए. कौन? That lady in pink dress. देखी? वो तो मैरिड है. हाँ तो क्या हुआ? मैरिड है तभी तो. मुझे उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. किसी को नहीं बताया लेकिन शाना को बता दिया कि वो रणबीर में इंटरेस्टेड है. तू चल मेरे साथ. दीदा, अरे तू चल. अरे चल, मैंने कहा तो. एक सेकंड मैम, इधर तू भी मेरे साथ. क्या हुआ दीदा? आ जा. ए स्टैनली, सुन मेरी बात. ये है मेरा पोता रणबीर और ये है प्राची.
दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। हाँ दीदा, ये सब मुझे मालूम है, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। ये क्या बातें कर रहे थे? ये ना गुस्से में थी, इसे छेड़ रहा था। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने एक्चुअली देखा कैसे अपने आप को बचा रहा है, कैसे सफाई दे रहा है, ताकि तुझे लगे कि इसके दिल में सिर्फ तू ही है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। देखो गलत है या नहीं है वो बात ही नहीं है, पर जो भी है तुम दोनों की जो फाइट का रीजन है ना, वो तो काफी क्यूट है। आई समझ में? देखो तुम दोनों की भी फाइट होती थी, बहुत क्यूट होती थी इनकी, क्योंकि ये दोनों कपल है। पल्लवी और विक्रम की भी फाइट होती है, हालांकि ये बात अलग है कि इस उम्र में उनकी फाइट क्यूट नहीं लगती, लेकिन वो दोनों भी कपल है, और ये इसका तो कुछ और ही चल रहा है। दादी आप क्या कह रही हो आप? दादी सर है मेरे, ये प्रोजेक्ट आप बस भूल जाइए, अब इसका कुछ हो नहीं सकता है, आपका जो सपना था वो टूट चुका है। ताश के पेड़ की तरफ चलो। आज मम्मी का जन्मदिन है, रणबीर इतना परेशान क्यों लग रहा है?